तो जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि आपके एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तो आपने तैयारी कर रखी होगी और आपको उस तैयारी को अब और इन्हांस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो और मैं अभी आपको पहले ये समझा दूँ पूरा कि जो डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन है वो 16 की है, 16/9/2018। और आपको जो फॉर्म भरने स्टार्ट करने हैं 22 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, तो फॉर्म आप अपना 22-23 में भर देना, क्योंकि जितनी जल्दी भरोगे उतना पास का आपको सेंटर मिल जाएगा और 19 तक आप भर सकते हो। लास्ट डेट है 19/7 और 5 बजे के बाद नहीं भर पाओगे, तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप पहले ही भर देना। और फीस लास्ट है आपकी 21 तारीख तक आप फीस भर सकते हो 3:30 बजे तक। फिर आपका फाइनल स्टेटस चेक हो जाएगा 24 तारीख को, करेक्शन भी आप अगर कोई गलती कर दो फिर आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो सारी चीज़ बिल्कुल डिटेल से दी गई है, बस अब जो मेन चीज़ है वो आपकी तैयारी किस हिसाब की है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका पेपर निकल जाएगा, नहीं है तो नहीं निकलेगा। तो आपको तैयारी के लिए जो भी है मेरा जितना हो सकता है मैं आपको बता दूंगा। चैनल पे मैंने वो कैब आपकी GK करंट अफेयर EVS से रिलेटेड क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं। और बाकी के लिए अब मैं आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बना देता हूँ नीचे, उसमें आप आपस में डाउट पूछ सकते हैं। उस ग्रुप में आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन हो जाओ। अब ये देख लो आप, डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन पेपर 2 होगा आपका 16 तारीख को 9:30 से 2 बजे के बीच में, और आपका पेपर 1 होगा 2 से 4:30 के बीच में। 2.5 घंटे के दोनों पेपर हैं, दोनों का सिलेबस आई होप आपको पता होगा। और अब अगला देख लो के कहाँ का सीटेट शैल अप्लाई टू स्कूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्कूल अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये सब। तो ये तो एक क्वेश्चन ही बन गया यहाँ पे कि कितनी यूनियन टेरिटरी हैं, तो इनको आप याद रखना। अगला सीटेट में ऑल्सो अप्लाई फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल, अनएडेड जो मतलब जिनको मतलब कोई फंड वगैरह चला रही है या फिर कोई एसोसिएशन चला रही है उनमें। स्कूल ओनर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट शैल ऑल्सो कंसिडर टेट रिजल्ट, भाई ये इसमें कुछ ऐसा कुछ खास लिखा नहीं। तो ठीक है, अपना सीटेट का जल्दी से जल्दी भर दो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो। अगर मान लो कोई सीटेट की तैयारी कर रहा है और बाय चांस उसको कोई और एग्ज़ाम भी देता है SSC वगैरह के, तो उसको मैथ रीजनिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं बता दूंगा। मैथ सीटेट में बहुत आसान आती है, तो मैथ के लिए तो आप अपना कोई छोटी मोटी बुक ही कर लो, वो ही बहुत है। और अगर आपको मैथ बड़े अच्छे लेवल करनी है तो आप अभिनय मैथ एक यूट्यूब पे चैनल सर्च कर सकते हो, उससे कर सकते हो। तो बाय, हैव अ नाइस डे।